बेटा और कुछ चाहिए? नहीं, पर अंकल जी आप ये क्या कर रहे हो? बेटा तेरा भाई कहाँ गया है? भैया तो चले गए, वो मुझे आपके घर छोड़ के चले गए कि यहाँ बैठ जाओ। अच्छा फिर तो अच्छी बात है, मैं ये सोच रहा था आज तू यहाँ कैसे आ गई। पापा क्या कर रहे हो ये? पापा ये अंकिता का भाई। बेटा ये इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है ना बेटा, इसका भाई छोड़ गया इसे, यहाँ रह गया। पापा तो... देखो मुझे ना ऐसा देख के बहुत बुरा लगता है, बेचारी देखो इसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, इतनी बड़ी हो गई है ना, इसको स्कूल में पढ़ाते हैं नहीं, इसको स्कूल में डाल देना चाहिए। वैसे अंकिता आप स्कूल क्यों नहीं जाती हो? नहीं भैया, मेरे भैया ने मना किया है कि छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते। अभी मैं बहुत छोटी हूँ ना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब जाऊंगी। और आपको पता है मैं पहले जब स्कूल जाती थी ना तो मेरे को सारे बच्चे पागल पागल बोल के चिढ़ाते थे, मुझे अच्छा भी नहीं लगता स्कूल जाना। स्कूल जाके भैया भी कहते हैं कि क्या ही हो जाएगा, इससे अच्छा आप घर पे रहो हमारे साथ। मेरे को भैया के साथ रहना बहुत पसंद है। नहीं ऐसा नहीं होता, तुम्हारे भाई से मैं बात करूंगा एक बार। पापा इसको खाना वाना दे दिया? बेटा खाना दे दूंगा इसे मैं। चलो मैं रामू भैया को बोल देता हूँ। रामू भैया। जी भैया। हाँ अंकिता आई है, इसको खाना वगैरह दे देना। ठीक है भैया। ठीक है पापा, इसको फिर भेज देना, इसका भैया आ जाएगा तो। पापा मैं ये कह रहा था, देखो आज तो ऑफिस की छुट्टी थी, शाम को मैं दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जाऊंगा, अभी एक दो घंटे हैं बाकी। ठीक है, और खाना वगैरह रामू भैया मेरे लिए मत बनाना शाम का, बाकियों के लिए बना देना। ठीक है मैं निकल जाऊंगा। अच्छा पार्टी में जाना, ठीक है बेटा। हाँ ये तो अच्छा हुआ प्रिंस बेटा ऑफिस चला गया, और नौकर को मैं घर से भगा दूंगा, थोड़ी देर के लिए काम कराएगा, उसके बाद तो मैं इस लड़की का फायदा उठाऊंगा आज। रामू बेटा यहाँ क्यों खड़े हो, जा रसोई में काम करो। ठीक है अंकल जी, जा रहा हूँ। जा बेटा। वैसे अंकल जी आपने ऐसे क्यों बोला कि आप मेरा फायदा उठाओगे, उसका मतलब क्या होता है? अरे मतलब मैं बताता हूँ ना बेटा, तुम्हें और चीजें चाहिए ना? ठीक है भाई तुम्हें खाने के लिए दे दूंगा। एक बात है, मेरे पास सोना पड़ेगा, मेरे पास सोओगी ना? अरे तो क्या होगा, मैं तो मम्मी पापा के पास रोज सोती हूँ। ठीक है ये लो खाने का सोना। थैंक यू अंकल, आप कितने अच्छे हैं, आप तो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। और पता है मैं भैया को जब बोलती हूँ मेरे को चीज खानी है, मेरे को नहीं देते, मैं बार बार रोता हूँ, फिर जाके देते हैं। यहाँ क्यों बैठे, चलो बेडरूम में चलते हैं, मैं खाने का सामान और भी लाऊंगा। पापा रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे इस लड़की को नींद आ रही है, सुलाने जा रहा था। अंकल जी आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने तो बोला ही नहीं मुझे नींद आ रही है। अरे बेटा तुम कहा? हाँ अंकल ना झूठ बोल रहे हैं, अंकल जी ने मुझे कहा था कि मुझे चीज देंगे, इसके बदले मुझे इनके साथ सोना पड़ेगा। कहाँ झूठ बोल रही हो तुम, मैंने ऐसे कब? अच्छा पापा मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया हूँ, उसके पागलपन का फायदा उठा के उसके साथ सोना चाहते हो। अरे कैसी बातें कर रहे तू, अरे तू मेरा बेटा है, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि इसकी बातों में आ रहा है। अरे पापा मैं सब समझ गया हूँ, आपके इरादे ना मेरे को ठीक नहीं लग रहे। प्लीज ज्यादा बकवास मत कर, तू मेरा बेटा है इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, समझ गया तू? अंकिता बेटा मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पापा है ना ये बहुत गंदे हैं, इनसे ना तुम दूर ही रहना, इनके साथ मत सोना, इनके इरादे ना अच्छे नहीं है, ये आपके साथ ना उल्टी सीधी हरकत कर देंगे, समझ रहे हो ना? नहीं अंकल गंदे नहीं है, अंकल तो अच्छे वाले अंकल है, अंकल ने मेरे को इतनी सारी चीज दी है, और सोने में क्या है वो तो मैं मम्मी पापा के साथ भी सोती हूँ। इस मन बुद्धि बैल को मैं क्या समझाऊं, इसे कैसे बताऊं कि मेरा बाप इतना हरामी है, इससे फायदा उठाना चाहता है। और पापा आपको तो शर्म आनी चाहिए ना, इसका भाई कितने विश्वास के साथ हमारे घर पे इसे छोड़ कर गया है, और आप वो इसी का फायदा उठाना चाहते हो, ये 2-4 रुपए की चिप्स कुरकुरे दिलाकर इसका फायदा उठाना चाहते हो, इसके साथ सोना चाहते हो। पापा आपको तो शर्म आनी चाहिए कम से कम। चुप, देखो बेटा ये सब झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तुम्हें नींद आ रही है ना, तुम आओ मेरे पास सो जाओ। अरे रुको अंकिता, तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रही है, अंकल तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हैं, अंकल तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं,
शादी के बाद जो सब हरकतें होती है ना वो सब करना चाहते हैं। भैया आपको शर्म नहीं आती है मेरे अंकल के बारे में ऐसे से बोल रहे हो? आप झूठ बोलते हो अंकल। भैया बैठ भैया, हम दोनों अंदर चलते हैं। ये साला मेरा बाप इसे अंदर लेकर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ मजे करूंगा। आज शाम को भैया भी पार्टी में जाने वाले हैं, उनके जाने के बाद मैं इसके साथ मजे करता, लेकिन नहीं, मेरे से पहले ना इस भुट्टे ने मेरा काम खराब कर दिया। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, इसे तो मैं देख लूंगा। अंकिता, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? आप तो बहुत अच्छे हो, मेरे फेवरेट अंकल हो। आप मुझे इतना सारा सामान जो देते हो खाने के लिए। हाँ, और भी खाने को दूंगा। तुम मेरे साथ सोओगी ना? हाँ जी अंकल, मैं तो आपके साथ सो ही रही हूँ। अरे कैसे समझाऊं इस पागल को। ऐसा तुम्हारा किसी के साथ दोस्ती थी, बॉयफ्रेंड था, उसके साथ कुछ किया हो, गुल्लू गुल्लू कुछ किया हो, ऐसा था कुछ? अंकल आप ये क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इस लड़के का क्या करूं, बिल्कुल पागल है। अंकल जी मुझे एक बात याद आई, पता है जब मैं स्कूल में थी ना तो दो बच्चे ना स्कूल से भाग गए थे, उसके बाद ना उनको पुलिस अंकल ने पकड़ा था। वो कह रहे थे कि वो दो बच्चे होटल में गुलू गुलू कर रहे थे, पर मेरे को उस टाइम समझ नहीं आया उसका मतलब क्या होता है। अंकिता मैं समझाता हूँ गुलू गुलू क्या होता है। आज देखो सर जी, अंकिता के साथ क्या कर रहे हो ये? अरे क्या, अरे रामू यहाँ क्या कर रहा तू? अंकल जी मैं तो खाना पूछने आया था, भैया ने कहा था ना अंकिता को खाना दे देना। अरे खा लेगी खाना, समझाओ और काम करो। अंकल मैं देख रहा था आप गंदी हरकतें कर रहे थे अंकिता के साथ। अरे क्या कर रहा हूँ गलत है? अरे जा, अरे तेरे समझ में नहीं आ रहा। अंकिता बेटा आपके साथ अंकल जी कुछ कर तो नहीं रहे थे ना? नहीं रामू भैया, अंकल तो बहुत अच्छे हैं, मुझे खाने के लिए दे रहे थे, ये तो मेरे फेवरेट अंकल है। इससे क्या पूछ रहा हूँ, इस पागल को क्या ही समझ में आएगा। अंकल जी खाना लाता हूँ मैं। लगता है इसको ऐसे समझ में नहीं आएगी। अंकिता कपड़े उतारो। अंकल जी क्या बोल रहे हो आप? अरे क्या बोल रहा हूँ, अरे कपड़े उतारो। नहीं मुझे शर्म आती है। अरे लगता है घंटी बजी है, कोई आया है। अरे रजत भाई आप। अरे पुनीत भाई मैं कह रहा हूँ, बहन तंग तो नहीं कर रही थी? अरे नहीं नहीं भाई बैठो ना। हाँ यही भाई, और बताइए। ये तो इसके भाई की आवाज है, क्या करूं करूं, यहाँ देख लेगा बेडरूम में मेरे साथ क्या कर रही है। ऐसा अंकिता तुम यहाँ बैठो, मैं बाथरूम होकर आता हूँ, कहीं जाना नहीं, यहीं रहना। ओके अंकल। ठीक है। भाई आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, आपने तो बोला था ना कि कल लेकर जाओगे उसे। अरे भाई वो गाँव जाना था ना मेरे को, तो बस भाई देखने आया कि बहन तंग तो नहीं कर रही आपको। अरे नहीं नहीं आप आराम से गाँव जाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें कोई तंग नहीं कर रही। वैसे आप कल कब तक आओगे? मैं आपको एक बात और बताने आया था, मतलब हमें शायद से ना 2-3 दिन और लग जाएंगे, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? अरे नहीं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, घर वाली तो बात है, बेशक आप एक हफ्ता छोड़ दो, हमें क्या दिक्कत है, इसी बहाने हमारा भी घर में मन लगा रहेगा। अरे भाई बस आपने इतना मुद्दे मिले वही काफी है, चलो मैं चलता हूँ भाई। ठीक है भैया। अरे अंकिता तुम, बहन को दिक्कत तो नहीं है तेरे को? नहीं भैया मैं तो यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मैं तो अभी अंदर अंकल जी के साथ सो रही थी। अंकल का सो रही थी? अरे नहीं नहीं इसका मतलब है कि ये पापा के रूम में सो रही थी, पापा दूसरे रूम में है ना, तो उसके रूम में सो रही थी। खिल वो थोड़ा डर लगा ना भाई ना उसका। अरे नहीं भाई इसमें डरने वाली कौन सी बात है, अपने परिवार जैसे ही है, जैसे आपकी बहन है ऐसी मेरी बहन है वो। चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। अंकिता तुम बाहर कैसे आ गई, चलो अंदर। वो मेरे भैया आए थे मिलने के लिए इसलिए आई थी बाहर। अच्छा चलो आप सो जाते हैं, आ जाओ आ जाओ। ले गया बुड्ढा फिर से इसे अंदर, इस बुड्ढे का ना कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी ना 2 दिन का ही टाइम है मेरे पास, 2 दिन बाद आकर तो वो वापस इसे अपने घर ले जाएगा, पिता के साथ मुझे भी तो लेने हैं। और वैसे भी इस पागल को क्या पता चलेगा कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ।
ये तो वैसे भी दिमाग से पागल ही है। अंकिता तुम बाहर क्यों चली गई थी? अरे वो तो भैया आए थे ना मुझसे मिलने के लिए, इसलिए चली गई। अरे मिलने आए थे? अच्छा कोई बात तो नहीं हुई ना? कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं नहीं, वो बस पूछ रहे थे तुम कैसी हो, और मैंने तो उन्हें ये भी बता दिया कि आप और मैं ना साथ साथ सो रहे हैं। अरे तूने ये क्या कर दिया, यही तो नहीं बताना था तूने? क्या करूं, तुझे पता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं? अंकल कैसी बातें कर रहे हो, ये तो सबको पता होता है, पहले छोड़ के जाती है। अरे दिमाग से पैदा नहीं, ये तो किसी को क्या पता चलेगा, इसका मैं फायदा उठाता हूँ, कुछ हो भी गया तो किसी को क्या पता चलेगा। अंकिता कपड़े उतार, कपड़े उतार। क्या बोल रहे हो अंकल आप? अरे मैं ठीक बोल रहा हूँ, कपड़े। पापा उठिए और निकलिए यहाँ से, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप उसके साथ ऐसे करे। अरे माना कि वो दिमाग से थोड़ी सी पागल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसका गलत फायदा उठाओगे, जो मन में आएगा वो करोगे उसके साथ। अंकिता मेरी बेटी जैसी है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? पापा आप बेटी नहीं मानते, अगर आप बेटी मानते ना तो उसे इस तरीके से अपने रूम में ना लाते, उसे कपड़े उतारने के लिए ना बोलते। अरे चिल्ला के बात मत कर, प्रिंस सुन लेगा। अरे सुन लेने दो भैया को, उन्हें भी तो पता चले कि आप क्या कर रहे हो उस घर में, कैसी हरकत चल रही है आपकी। देख पुनीत, मैं इसे अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, जैसा तू सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है। क्या चल रहा है सब? भैया आपने मुझे भी थप्पड़ मारा। तुझे थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तेरी सारी बातें मैंने सुन ली थी, जब तू नौकर को बोल रहा था कि रात के खाने में नशे की गोली मिला देना ताकि पापा नशे में सो जाएं, और इस लड़की के साथ तू गलत हरकतें कर सके। अबे एक सेकंड के लिए एक ही भूल गया कि अपनी भी एक बहन थी, और पापा आपसे तो उम्मीद नहीं थी, इस बेचारी पागल लड़की का आप ऐसा फायदा उठाओगे, उसकी हालत देखो, आपने उसकी मदद करनी चाहिए लेकिन आप ये सब कर रहे हो। ये क्यों भूल गए पापा कि हमारी बहन थी और वो पूरा घर चलाती थी, जब मैं नहीं कमाता था पूरे घर का गुजारा उससे चलता था, आज वो बेचारी शादी करके सुखी है, अगर उसके ससुर या कोई भी उसके साथ ये सब हरकतें करे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, अपनों के लिए बुरा लगता है, बेगानों के लिए नहीं। वो बेचारे आप पे भरोसा करते हैं इसलिए लड़की को यहां छोड़ गए, और आप उसका फायदा उठा रहे हो, वो बेचारी जानती भी नहीं है कि आप क्या करने वाले थे उसके साथ। इसीलिए मैं सब कुछ सुन रहा था, सिर्फ मुझे सुनते हुए भी शर्म आ रही थी कि आप मेरे पापा हो, क्योंकि मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता कि आप ऐसे निकलोगे। पापा एक काम करो ना, अगर इतना ही ज्यादा आपको ये सब करना है ना तो पैसा तो है ही आपके पास, बेच दो प्रॉपर्टी वगैरह, क्या दिक्कत है, जाके याशी करो बाहर, हमारे साथ मत रहो, और ना इसको रहने की जरूरत है। आप लोग एक काम करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रह लूंगा, लेकिन आपके साथ नहीं रहना अगर ऐसी सोच रखते हो तो। और अंकिता आप चिंता मत करो, वो अंकल गंदे हैं, गंदी हरकत करते हैं आपके साथ, आप एक काम करना आप उधर ही रहना, इस कमरे में मत आना, ठीक है? बस एक दो दिन की बात है, आपके घर वाले आ जाएंगे ना तो आपको घर छोड़ दूंगा, और आपके भैया को बोलूंगा कि आपको अच्छे से स्कूल में पढ़ाए। पता नहीं लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, जब तेरे भाई से बात करी थी ना अंकिता मैंने कि ऐसे कोई छोड़ के जा रहा है ले जा अगर शादी में जा रहा है, तो कहता नहीं वहां शादी में जाऊंगा तो सब बोलेंगे तेरी बहन पागल है, पागल है। तो क्या हो गया यार, पागल है तो अपना इंसान है, अगर मेरी बहन होती तो ऐसा बिहेव तो बिल्कुल नहीं करता उसके साथ, और ना किसी घर में ऐसे छोड़ के जाता। चलो कोई बात नहीं, अगर हमारे भरोसे पे पापा उसने छोड़ भी दिया है तो आप कम से कम उसका ख्याल रखिए, ऐसा मत कीजिए उसके साथ। पापा आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर ऐसा करना तो मैं जाता हूँ इस घर से या फिर आप जाइए। पापा ये सब करने से पहले आप कैसे भूल गए कि एक औरत ही है जिससे पूरा संसार बनता है, आप भी एक औरत के पेट से जन्मे हो ना, फिर कैसे भूल गए? मेरी माँ भी एक औरत थी ना, मेरी बहन भी तो एक औरत थी ना, फिर इसके साथ ये सब क्यों? बेटा बेटा प्रिंस बेटा मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे बच्चे माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। पापा आखिरी मौका दे रहा हूँ आपको, आज के बाद अगर ये सब दिख गया ना या तो मैं इस घर से चला जाऊंगा या आपको निकाल दूंगा, और मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा कि आप मेरे पापा हो। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो के जल्द से शेयर कर दो, और पैरास कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी, और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे, तो कमेंट्स भर भर के कर दो, प्लीज आइडिया शेयर कर दो कुछ भी दिमाग में आ रहा है तो, और प्लीज यार हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, आप फॉलो नहीं करते प्लीज क्लिक करो और फॉलो कर दो यार, प्लीज फॉलो का बटन दबा दो यार, प्लीज 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 फॉलो करो, और अभी शेयर का बटन दबा दो, वीडियो को शेयर कर दो यार प्लीज, अभी तक नहीं किया ना शेयर कर दो यार, क्या देख रहे हो कमेंट करो, अभी तक शेयर नहीं किया ना कर दो, लव यू ऑल, फॉलो कर लेना आज से।